दोस्तों कि आपके पास भी एक वेबसाइट है और आप उस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन कमाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, तो नेक्स्ट 5 मिनट में मैं आपको एक वेबसाइट से पैसे कमाने की 4 ऐसे यूनिक तरीके बताने वाला हूँ जो बिल्कुल ही यूनिक है। इतने यूनिक कि शायद आपको 4 में से 1 या 2 के बारे में भी नहीं पता होगा। आज के टाइम पर कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है ना कि नॉर्मल तरीकों से पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं आपको थोड़े ऐसे तरीके बताऊंगा जो थोड़े मुश्किल तो है लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिए तो फिर कम से कम नेक्स्ट 5 तक आपको कोई भी कंपटीशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस इंटरेस्टिंग जर्नी को शुरू करने के लिए? इफ यस तो एक बात समझ लीजिए, इस वीडियो में मैंने आपको हर एक तरीके को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप किसी भी टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि उस टॉपिक पर एक स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो बना पाऊं। हेलो गाइज, वेलकम टू डोमेन डेसर, जहां आप बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर डोमेन होस्टिंग एंड LMS सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक फर्स्ट लिंक given in the description। फर्स्ट वन इज वर्चुअल रियल इस्टेट, जिसमें वर्चुअल प्लेटफॉर्म जैसे कि डिसेंट्रलैंड या फिर सोमेनियम स्पेस वर्चुअल प्लॉट्स खरीदने होते हैं। जैसे हम रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्टी बाय करते हैं वैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में भी आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपने एक वर्चुअल प्लॉट खरीद लिया एंड उस पे अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस या फिर बिल्डिंग्स को डिजाइन कर दिया, तो उस नॉर्मल से खाली पड़े वर्चुअल प्लॉट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और आप उसी नॉर्मल से प्लॉट को ऐसा बना सकते हैं जहां पर VR हेडसेट पहनकर लोग विजिट कर सकते और उस विजिट करने पर आप उनसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। सेकंड वन इज डिजिटल स्कैवेंजर हंट्स, नाम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आप ऑनलाइन ट्रेजर हंट बना सकते हैं जहां पार्टिसिपेंट को क्लूज मिलेंगे एंड विनर्स को फिर उसी के अकॉर्डिंग गिफ्ट कार्ड या फिर कैश प्राइज मिलेगा। इस पूरे प्रोसेस को मोनिटाइज करने के लिए आप गूगल एड्स का या फिर स्पॉन्सर पेजेस का सहारा ले सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आप ऑनलाइन सर्वे रन करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। थर्ड वन इज इंटरेक्टिव स्टोरेज प्लेटफॉर्म, ये वो स्टोरीज होती है जहाँ पर रीडर्स या व्यूवर्स के डिसीजंस या चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि स्टोरी का एंडिंग कैसा होगा, स्टोरी का एंडिंग चेंज हो जाता है। ये एक यूनिक रीडिंग और व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जहाँ ऑडियंस पैसिव कंज्यूमर्स के बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो गेम्स में ऐसे कई सारे स्टोरीज होते हैं जहाँ पर प्लेयर डिसीजन करता है कि क्या उसको करना है और उसके हिसाब से आउटकम चेंज हो जाता है। वेल, इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी वेबसाइट या ऐप बनानी होगी जहाँ पर राइटर्स अपनी इंटरेक्टिव स्टोरीज को अपलोड कर सकते हैं। हर स्टोरी में डिसीजन पॉइंट होना चाहिए ताकि रीडर्स स्पेसिफिक पॉइंट्स को डिसाइड करेंगे और उन डिसीजंस पर डिपेंड करेगा कि उनकी स्टोरी क्या टर्न लेगी। अब ये इतना यूनिक हो गया है कि इसे समझने के लिए आपको इस पार्ट को दोबारा देखना पड़ेगा। इसे मोनिटाइज करने के लिए आप सब्सक्रिप्शन मॉडल, पेपर स्टोरी, एडवर्टाइजमेंट या राइटर मेंबरशिप का यूज कर सकते हो। फोर्थ वन इज पर्सनल ग्रोथ चैलेंज, आजकल लोग अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर मेंटल वेलबींग, स्किल्स एक्विजिशन हो या फिर किसी और चीज में। इसी का फायदा उठाकर आप एक ऐसी वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं जिसमें यूजर को एक टास्क दिया जाए और जब वो उस टास्क को पूरा करे तो उसे रिवर्ट में रिवार्ड दिया जाए। वेल, इसके लिए आप यूजर को पर डे 10 मिनट आपकी वेबसाइट पर आके पर्टिकुलर टास्क को ट्रैक करने के लिए बोल सकते हैं, अपने टास्क को मॉनिटर करने के लिए बोल सकते हैं, जिससे आपके पास एक विजिटर बार बार आएगा एंड आप उसे टारगेट अचीव करने पर रिवॉर्ड देंगे तो आपकी साइट पर वो बार बार आने का ट्राई करेगा। आप उसे अलग अलग टास्क या फीचर्स दे सकते हैं, फिजिकल फिटनेस फॉर 30 डेज या फिर मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस फॉर 15 डेज, रीडिंग एन आर्टिकल डेली फॉर 10 मिनट्स या फिर ऐसा क्रिएटिव कुछ भी और। अब इन 4 के 4 तरीकों में से आप चाहे किसी पर भी काम शुरू कर दे लेकिन आपको एक वेबसाइट तो बनानी ही पड़ेगी, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक डोमेन एंड एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, जहां मैं आपको रिकमेंड करूंगा डोमेन डेसर के बारे में जहां पर आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर डोमेन होस्टिंग एंड LMS सर्विस को बाय कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। Also, I tried my best कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। थैंक्स फॉर watching।